शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रदोष व्रत पड़ रहा है और यह व्रत किसके लिए किया जाता है और इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। साधक भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। बता दें, प्रदोष के दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष का व्रत शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस महीने का दूसरा व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। तो चलिए तिथि और पूजा विधि के बारे में जानते हैं आगे वीडियो में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 8:21 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन सुबह 6:11 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए प्रदोष व्रत मार्च को रखा जाएगा। शिव पूजन मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। प्रदोष व्रत पूजन नियम, साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर अपने पूजा घर में अच्छी तरह से साफ कपड़े पहन के जाएं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा रूम को अच्छे से साफ करें। इसके बाद व्रती शिव जी समक्ष व्रत का संकल्प ले, एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से उनका स्नान कराएं और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। देसी गाय के घी का दिया जलाएं। पूजा में बेल पत्र अवश्य शामिल की माला अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। आरती से पूजा को पूर्ण करें। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत का पालन करें। व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अगले दिन सुबह पूजा के बाद अपना व्रत खोलें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक अभिषेक करें और मां पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान का वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय बना रहता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रदोष व्रत को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कई मुश्किलों से निजात पाया जा सकता है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव जी के साथ भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कुंडली में शुक्र दोष होने पर शादी में बाधाएं आती हैं। ऐसे कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए व्रत के दिन जल में शहद और सफ़ेद तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें और दीपक जलाकर पूजा करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। धन संपदा के लिए करें यह अचूक उपाय। भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायंकाल गोधूली वेला में करने का विधान है। व्रतोपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी प्रदोष का विशेष महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब शिव की ही कृपा का प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्याधिक संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम रात्रि प्रारंभ की वेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रियता। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान
शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायंकाल शिव जी की पूजन करके भोजन करना चाहिए धन संबंधी प्राप्ति के लिए। काल में शिव तांडव स्रोत का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिव जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथा धन संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्त के लिए शिव तांडव स्रोत का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्रोत जो पढ़ता है भाव भक्ति से वह सर्वत्र विजयी होता है। धर्म शास्त्रानुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का विधि विधान प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंधमदार पुष्प बेलपत्र धूप दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। 5 रत्नों को मिलाकर पद्य पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। 5 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भक्ति भाव में आंखें मुक्त हो गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चलता रहे। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी जी का भी पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के 1 दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नित्य आदि रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उन छोट शो पछाड़ विधि से पूजन करें। ओम उमा सहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति दे। हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर शक्ति दान दें। दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने वाला व्रती इस लोक में धन धान्य पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष पद पा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी जो की थी प्रदोष व्रत की। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में महादेव का सबसे प्रिय जो आपको नाम हो वो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।